नमस्कार दोस्तों, आई रीडर्स की लर्न एंड अर्न की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, आज मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन का सेटअप दिखाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको फर्स्ट सेटअप दिखाने वाला हूं बैंक निफ्टी ऑप्शन एंड निफ्टी ऑप्शन को, तो वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए और नोट और पेन लेके आप जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ट्रेड करने के लिए आसानी हो जाए। ओके, फ्रेंड्स, मैं जो सेटअप दिखाने वाला हूँ इससे आप एवरी डे 2000 से 20000 रुपया कमा सकते हो इसी सेटअप का यूज़ करके। इस सेटअप को फ्रेंड्स आपको 15 मिनट की चार्ट में देखना है। ओके, और 15 मिनट की चार्ट के अंदर मिनिमम 4 से 5 के अंदर में यह सेटअप बनेगा जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। सेटअप का नाम है फ्रेंड्स बॉक्स पैटर्न या रेक्टेंगल पैटर्न। इस सेटअप का नाम हमने रखा है बॉक्स पैटर्न और रेक्टेंगल पैटर्न, जिसको मैं आपको चार्ट में प्रूफ करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ओके, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि समझ लो 15 महीने की चार्ट में 4 से 5 कैंडल बनने चाहिए, यानी ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये 4 कैंडल बनेगी, ये 5 कैंडल बनेगी। ओके, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो बॉक्स पैटर्न यहाँ से ये हमारा बॉक्स हो गया या रेक्टेंगल हो गया, इसके अंदर मिनिमम 4 से 5 कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद ही ये हमारा सेटअप काम लगेगा। ये दिन में कभी भी बन सकता है फ्रेंड ये सेटअप, यानी 4 से 5 कैंडल बोलते हैं तो दिन में समझो कि 9:15 बजे हमारा मार्केट ओपन है होता है, तो 15-24 यानी 1 घंटे के बाद आपको देखना है ये सेटअप कब काम बनता है, यानी 10 बजे के बाद आपको ये सेटअप देखना पड़ेगा। और बॉक्स का साइज मैक्सिमम 200 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट का होना चाहिए, यानी हमारा जो ये हाई और लो जो रहेगा फ्रेंड्स, कौन सा वाला फ्रेंड्स, ये वाला, ये हो गया लो और ये हो गया हाई, इसका साइज 200 से 300 पॉइंट का ही होना चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम का बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैक्सिमम का मैं बोल रहा हूँ आपको, 4 से 5 के अंदर में इसका ऑप्शन का 200 से 300 का ही होना चाहिए। जितना बॉक्स का साइज लो होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स, यानी समझ लो भाई 200 से 300 मैंने बोला है लेकिन बॉक्स का साइज समझो कि 50 से 100 का भी हो सकता है, ये 150 पकड़ लो, जितना लो होगा ये उतना ज़्यादा मूवमेंट देगी फ्रेंड्स हमारा ये सेटअप। ये देखने के बाद आपको किसी के पास टिप्स नहीं लेनी पड़ेगी, कई लोग टिप्स देते हैं लेकिन उसका उसको फीस भी उसको देना पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको फ्री में ये सेटअप दिखाने वाला हूँ। लोग ऐसे सेटअप के लिए फीस लेते हैं, मैं आपको ये फ्री में दिखा रहा हूँ सेटअप, तो फ्रेंड्स इस सेटअप को आप ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, समझिए और अपने लिए और अपने फैमिली के लिए पैसा कमाइए। तो चलिए मैं आपको अभी चार्ट पे लेके जा रहा हूँ, इससे पहले मैं फिर से आपको एक बार ये बता देता हूँ कि इस सेटअप से आपको एवरी डे 2000 से 20000 कमा सकते हो। इसको आप 15 महीने की चार्ट में देखना है फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम 4 से 5 कैंडल बनेगी तब ये सेटअप हमारा काम लगेगा। इस सेटअप का नाम है फ्रेंड्स बॉक्स पैटर्न या रेक्टेंगल पैटर्न, ये दिन में कभी भी सेटअप बन सकता है, बॉक्स का साइज रहेगा मिनिमम 50 से लेकर मैक्सिमम 300 तक। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है जिसको मैंने पहले से मार्क करके रखा है फ्रेंड्स, ये बॉक्स जिसको मैं अभी समझा रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, ये है 26 मई का चार्ट। आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स, इसने यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ है जिसके अंदर कैंडल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 वाले कैंडल ने उसका हाई को ब्रेक किया है। इसका आप साइज देखोगे तो
बॉटम में 34,430 से लेके 34,600 यानी हमारा कितने का आया 5,36,000 200 पॉइंट के अंदर हमारा यह सेटअप बना हुआ है। और उसका 34,590 से ऊपर जैसे ही ये ब्रेक करेगा आपको बाई करना है कॉल। और आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने यहाँ पे उसका हाई मारा है, उसने कितना मारा है 34,900 के करीब उसका हाई मारा है 2 ही घंटे में 15 मिनट की, यानी ये 600 से लेके फ्रेंड्स 300 और मान लो तो 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल गया है फ्रेंड्स। और यहाँ से थोड़ा डाउन आया और उसका हाई मारा है, बाद में फिर से उसने हाई मारा है, लो लगातार हाई मार जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ तक हाई देखोगे तो 34,700 यानी 34,600 से 700 का उसने हाई मारा, यानी 900 पॉइंट का मूवमेंट दिया है फ्रेंड्स हमारे इस सेटअप ने। तो अगर आपने एक लॉट भी लिया होगा यहाँ से यहाँ तक तो आपको एक लॉट पे मिनिमम 200 पॉइंट मिला होगा। और ऐसे ही अगर आपने रखा होगा तो यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप कितना कमा सकते हो एक लॉट के ऊपर। और अगर लॉट की साइज़ ज़्यादा रहेगी तो दिन के 20,000 भी निकल जाएंगे ऐसी सेटअप के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस आपको रखना है, किसी का स्टॉप लॉस रखना है जो कैंडल ब्रेक करती है तो समझ लो इसका उसी के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है ऐसे सेटअप में। ओके ये लाइव में मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सेटअप से आप क्या कितना कमा सकते हो। तो ये दूसरा है सेटअप 20 मई को बना था, जिसका हाई जिसका लो पकड़ के चलते है ये वाला, जैसे ये वाला पकड़ के चलते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 3, 6, 8 के अंदर बनाई है। 8 के अंदर बनने के बाद डाउन की साइड में उसने ये ब्रेक किया है फ्रेंड्स और उसका प्राइस है 34,023 का। ब्रेक करने के बाद उसने हाई मारा है फ्रेंड्स 33,930, यानी आप यहाँ से पकड़ लोगों 100 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। लेकिन अगर किसी ने स्टॉप लॉस रखा होगा यहाँ पे तो रिटर्न में यहाँ पे स्टॉप लॉस उसका लग गया होगा और अपसाइड में उसने फिर से यहाँ पे मूवमेंट लिया। और यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो 34,160 से लेके उसका अभी हाई कितना मारा है उसने 34,760, तो ये भी आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। और चार्ट को फ्रेंड्स आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, नॉर्मल ही रखना है ताकि हमको पता चलेगा बॉक्स पैटर्न कहाँ बनती है। वो जैसे ये एक है फ्रेंड्स 18 मई का आप चेक करोगे यहाँ पे तो इसके अंदर भी 3, 6, 9, 10, 11 कैंडल बनी हुई है और 11 कैंडल के बाद उसने 34,450 ब्रेक किया है। और 34,450 ब्रेक करने के बाद इसने लो कितना का मारा 34,160, यानी आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको 300 पॉइंट के करीब आपको मिल गया होगा। और अगर फ्रेंड्स अगर अपना 300 पॉइंट जब आप कैचअप कर लेते हो और आप अगर समझ लो ये है 34,450, अगर आपने 34,500 का या 34,400 का या फिर 34,600 का पुट बाय किया होता है तो आपका अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स इसी सेटअप पे। सेम सेटअप फ्रेंड्स 17 मई को बना है यहाँ पे कॉल के लिए, जिसने यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसका बॉक्स का साइज़ है 34,180 से लेके 34,000 यानी 200 का ही बॉक्स हमारा बना है यहाँ पे 200 पॉइंट का। ओके और 200 पॉइंट के बाद उसने अपसाइड में ये ब्रेक किया है और यहाँ से आप चेक करोगे तो उसका 34,190 से लेके 34,365 तो यहाँ पर भी आपको 350 पॉइंट मिल गया हो फ्रेंड्स यहाँ पे। इतने में ही अगर प्रॉफिट बुक किया होगा तो अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे तो और ज़्यादा पॉइंट मिलने वाला है आपको यहाँ पे इस सेटअप से फ्रेंड्स। ये सेटअप कोई प्री में दिखाता नहीं है, मैं आपको प्री में दिखा रहा हूँ ताकि ये लोग टिप्स लेके आपको उल्लू बना रहे हैं सब। ये सब टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ऐसे ही सेटअप देख के काम करते हुए आपको बोलते हैं कि कॉल बाई करो पुट बाई करो, मैं आपको यहाँ पे ये फ्री में दिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप चैनल को पहली बार देख रहे हो और अगर आप कंटिन्यू देखते आ रहे हो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसा ही सपोर्ट आप सेटअप देखो फ्रेंड्स 9 मई को भी ऐसा ही सेटअप बना है फ्रेंड्स। इसका लो है 34,930 का लो बना है और 34,200 का हाई मारा है फ्रेंड्स। ओके तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे उसने हाई कितना मारा 34,550 का हाई मारा है फ्रेंड्स।
200 से लेके, यानी यहाँ पर भी आपको 350 पॉइंट करीब मिल गया फ्रेंड्स यहाँ पे। फ्रेंड्स ये सेटअप बैंक निफ्टी में भी चलेगा, निफ्टी में भी चलेगा, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सेटअप आपको स्टॉक में भी बनते हुए दिखते हैं फ्रेंड्स। स्टॉक में भी ये सेटअप चल सकता है फ्रेंड्स, ये प्रूफ है फ्रेंड्स आपके सामने, ये प्रूफ लाइव प्रूफ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पुट के लिए आप ये सेटअप बना हुआ है जिसका हाई है 36,175 और 36,000, यानी यहाँ पे अभी 150 से 200 पॉइंट का बॉक्स बना है हमारा फ्रेंड्स। और जैसे उसने ये पॉइंट आज के लोगों को निकाला फ्रेंड्स 36,000 को, तो उसका लो कहाँ तक गया 34,900 और बाद में फिर से ऊपर गया और बाद में उसने लो मारा फ्रेंड्स 35,750 समझ लो। तो यहाँ पर भी आप अच्छा खासा पॉइंट आप अर्न कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो और वहाँ पे मिनिमम आप 100 ही मूवमेंट पकड़ लो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि आपको उसी मूवमेंट पे आपको पकड़ना आना चाहिए। और ये मैं जो आपको सेटअप दिखा रहा हूँ बॉक्स सेटअप या रेक्टेंगल सेटअप, इससे आप आसानी से मूवमेंट को पकड़ सकते हो। वैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे 22 अप्रैल का ये चार्ट है 15 मिनट का, जिसमें कितनी कैंडल बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कैंडल बनी है और 16 कैंडल ने उसने उसके लो को ब्रेक किया और 36,240 को ब्रेक करने के बाद उसका लो मारा है 35,990। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी रेंज मिल गया, कितनी रेंज मिले वो हम तो भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास टूल्स भी है, मिनिमम आप पकड़ के चलो तो यहाँ पे आपको 230 पॉइंट की रिटर्न मिल गया फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो इसके सेटअप पे आप प्रैक्टिस करो। और एक सेटअप है यहाँ पे बना हुआ है फ्रेंड्स 12 अप्रैल को, इसकी रेंज बनी कितनी बनी है फ्रेंड्स यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ से इसकी रेंज बनी है 280, यानी मैंने आपको 300 मैक्सिमम बोला है फ्रेंड्स, मैक्सिमम 300 का रेंज में आपको देखना है बॉक्स सेटअप पे। ओके, और उसने 37,600 ब्रेक किया तो उसने हाई मारा 600 ब्रेक करके 900, यानी 300 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये सेटअप दिन में कभी भी बन सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको कंटिन्यू उसको वॉच करते रहना पड़ेगा और दिन में एक सेटअप तो बनेगा ही बनेगा। वैसे ही फ्रेंड्स मेन नीति में यह है, वैसे ही आपको नीति में भी यह सेटअप मैं दिखाई देता हूँ। नीति में भी मैंने मार्क किया है 50 मिनट के चार्ट में कि नीति में भी यह सेटअप बन रहा है फ्रेंड्स। देखो आप यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स, ये है 26 मई का चार्ट 50 मिनट का। ओके, तो उसने यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया फ्रेंड्स, 66 पॉइंट का मूवमेंट दिया। और नीति में फ्रेंड्स मैक्सिमम 100 पॉइंट का वॉक बनना चाहिए। ओके, बैंक नीति में मैक्सिमम 300 का और निफ्टी में 100 पॉइंट का बॉक्स बनना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि निफ्टी में 15,970 ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ तक भी, यहाँ पर भी आप अगर प्रॉफिट बुक करते हो तो 60,100 के करीब आपको पॉइंट मिला। यानी यहाँ से लेके आप चेक करोगे कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक चेक करोगे तो 124 पॉइंट का मूवमेंट मिला। और अगर आप रखते हो यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 190 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल गया फ्रेंड्स। तो आप देख लो, आप कैलकुलेशन कर लो कि आपको कितना पॉइंट का बेनिफिट मिला फ्रेंड्स इस सेटअप पे। और आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है वो एक द मनी होगा तो चलेगा, इन द मनी होगा तो चलेगा, या फिर 100 से 200 पॉइंट आगे पीछे होगा तो चलेगा। ओके, ये बात आप समझ लो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आगे, 24 मई का सेटअप है ये 24 मई का सेटअप बना हुआ है 50 मिनट में निफ्टी में। तो आप भी यहाँ पे चेक करोगे तो ये कितना पॉइंट का बॉक्स बना है हमारा, यहाँ से लेके ये वाला 68, यानी हम मैक्सिमम 70 पॉइंट का बॉक्स बना है और उसने इस बॉक्स को फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जिसका हाई था फ्रेंड्स समझ लो 60,185 से लेके फ्रेंड्स उसने हाई मारा, दो ही कैंडल में कितना मारा यहाँ पे आप चेक करोगे तो 60,240। और उसका रिटर्न आपको कितना मिला यहाँ से लेके यहाँ तक मिला था 57 पॉइंट आपको मिल गया। और निफ्टी जब 57 जाती है तो आपको 20 से 25 पॉइंट आपको मिल जाता है फ्रेंड्स एकदम मनी में। ओके,
दूसरा एक सेटअप है यहाँ पे फ्रेंड्स, सेटअप फॉल सेटअप भी बनते हैं जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक सेटअप बना है फॉल सेटअप बोलते हैं उसको, उसका वैल्यू है फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक 60 पॉइंट का यह सेटअप है। और उसने फ्रेंड्स कि इसमें इसके अंदर कितने कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैंडल के बाद फ्रेंड्स, सॉरी इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 60,150 ब्रेक करने के बाद उसने रो कितना का मारा है फ्रेंड्स, 60,124 यानी 25 पॉइंट यहाँ पे मिला होगा। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ होगा। ये वाला इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है इसके आई पे जो केंद्र बनती है हमारे इसके अगले वाली यहाँ पे, ओके। तो फॉल्स सिग्नल भी हमें पता चले जाता है, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी रखना चाहिए। और यहाँ पे आप चेक करोगे 19 मई को आप ये और सेटअप बना है फ्रेंड्स, जिसके अंदर कितनी कैंडल है आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद 9वीं कैंडल जो बनी है उसने उसके लो को ब्रेक किया, 15,900 को ब्रेक किया और वो डाउन तक कहाँ गया, अप्रोक्सीमेट 15,780 के जितना उसने डाउन मारा। तो उस क्या इसका रेंज कितना है फ्रेंड्स, 80 पॉइंट। ये जो बॉक्स बना है फ्रेंड्स उसका 80 पॉइंट उसका रेंज बना है। और उसने रिटर्न कितने पॉइंट का दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक उसने रिटर्न दिया 128 पॉइंट उसने रिटर्न दिया फ्रेंड्स। और अगर आप यहाँ पे पुट लिया होता समझ लो तो 15,900 का पुट लिया होगा या फिर 16,000 का पुट लिया होता यहाँ पे, या 15,800 का भी पुट ले सकते हो, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स इस सेटअप पे। ओके फ्रेंड्स, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ऐसे सेटअप को आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। और उसके बाद जब आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सेटअप मेरे काम का है तो आप इसमें ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों कोई भी सेटअप मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें आपको मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम आपको 100 ट्रेड लेना पड़ेगा। आप एक ही सेटअप पे 100 ट्रेड लो और उसके बाद आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि क्या ये सेटअप मेरे काम में आया है या नहीं आया है। आप 10 ही ट्रेड लोगे, 10 ही ट्रेड लोगे एक ही सेटअप पे तभी आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, 10 में से आपको 7 से 9 टाइम्स आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा फ्रेंड्स। पर आपको ये सेटअप पे काम करना पड़ेगा, ओके, और इसमें पैशन के साथ बैठना पड़ेगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये मेरा ये सेटअप अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।